यहाँ पे सर पे टोपी ओपी डाल के मैं करने लग गई हूँ सुबह सुबह की वॉक, क्योंकि कल रात को भी वॉक नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज सुबह जल्दी उठ के जल्दी वॉक मैंने कर दी है अपने स्टार्ट। और उसके बाद करूँगी अपने रेगुलर रूटीन वाले मैं वर्क। तो पहले कुछ दौड़ा भागी, फिर बाकी काम। और जो सुबह सुबह की जो एक हवा और एक एयर है ना, वो काफ़ी शुद्ध होती है, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है सुबह सुबह मेरे को वॉक करने में यहाँ पे। और ये मेरे कल के जो डेकोरेशन हुए थे गुब्बारे, वो अभी तक एज इट इज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक फूटे नहीं हैं। और यहाँ पतिदेव जाने की तैयारी में, क्योंकि दो दिन से घर पे ही हैं, तो इसलिए आज सुबह सुबह जल्दी जाने लग गए हैं। ये नोवा के और एथिना के लगाया था कल ये वाला बिस्तर, तो रात भर इसी में सोए थे। और मेरे यहाँ चूहा छोड़ा। अच्छा, ये मिट्टी देखो इनके पैरों में, इससे प्रूफ होता है कि कितनी मिट्टी यहाँ गमलों के यहाँ से, ये फूलों के यहाँ से निकालते हैं। और मैं चूहा तो मेरी जान है, चूहे तो मेरी जान है ना चू। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? तो यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग की स्टार्ट, और मॉर्निंग की स्टार्ट करते आज हो गई हूँ मैं फ्रेश। तो पतिदेव भी जा रहे हैं सुबह सुबह अपने काम पे, और आज जाना है मीनूदी लोगों को भी घर वापस। तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और उसके बाद दिन का खाना खाते हैं, ताकि दी लोग भी आराम से जा सके उसके बाद खाना वाना खा के। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी आज की दिनचर्या क्या होती करके, वरना कल की थकान अभी तक मिटी नहीं है मेरी। तो उसके बाद क्या होता है, क्या करती हूँ प्रोसेस में और कैसे काम निपटाती हूँ, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो ऐसे बने रहिए इस व्लॉग में और देखते रहिए। तो चलिए, और ये हो गया है सुबह सुबह ध्रुवा का टिफिन पैक, केक, सब्जी, रोटी। तो ये आज कर दी है मम्मी ने पैक इसका टिफिन, और ध्रुव हो गया है स्कूल के लिए रेडी अपने। तो आज दिन के लंच में है कुछ, दिन का लंच हमारा ऐसा चल रहा है। और मम्मी लोग लेके आए थे कल सेल, तो आज खा रही हूँ मैं, और ये बना के लेके आई थी मेरी मम्मी, तो वो खाते हैं। तो दी जिया जी आज घर के टूर पे अपने, 7 दिन कैसे गए हमें पता ही नहीं चला यार। ऊपर के गुब्बारे आने लग गए हैं नीचे, तो मेरा चूहा खेलता नहीं है गुब्बारों से, बस सोइए गुब्बारों के पास। बाकी कुछ है थी ना, नोवा ने फोड़ दिए हैं। वहाँ पे मैं करने लग गई हूँ वॉक, तो पहले आज टाइम है तो आज पहले वॉक कर देती हूँ, फिर करूँगी थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज अपनी। तो पहले वॉक कंप्लीट करती हूँ 1 घंटे। तो जैसे कि थी कल एनिवर्सरी, और मिले थे मुझे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट, जो कि सारे ऑनलाइन ही मिले हैं। तो मैंने कल नहीं खोल के दिखाया, क्योंकि कल मैं काफ़ी थकान हो गई थी और लोग भी थे घर पे। तो गिफ्ट जो है वो मैंने करी है अनबॉक्सिंग आज, मतलब देख खोल के मैंने देख ली है, पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं और किस किस ने दिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पूरा पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी, मतलब कुछ कुछ ऐसे दिखाऊंगी थोड़ा सा डिज़ाइन कि क्या मिला है करके। अधिकतर सबको पता है कि मुझे कपड़े पहनने का और कपड़े खरीदने का बहुत शौक़ है, मतलब कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, मतलब लाइक थोड़ा सा ना डिसेंट से कपड़े पहनने का शौक़ है, सिंपल कपड़े पहनने का शौक़ है, और कपड़ों से मुझे बहुत प्यार है करके। तो अधिकतर जो आए हैं वो सब आए हैं इसमें सूट और कुछ वेस्टर्न और इंडियन ड्रेसेस, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने तो कल इनके रैपर वेपर सब खोल दिए थे, बट मैं आज दिखा रही हूँ आपको। तो ये मेरे चाचा चाची लेके आए हैं एक फैमिली वाला फ़ोटो फ्रेम, तो इसमें जो भी फैमिली वाले होंगे उन सबकी फ़ोटो फ्रेम जाएगा। तो पहला गिफ्ट है मेरा ये, और दूसरा ये है जो मेरी मौसी और मानस ने भिजवाया है पिथौरागढ़ से, और जिसमें हमारी वेडिंग पिक्स है। तो इसको मैं कोशिश करूँ, वैसे मेरे से शीशे के बर्तन बहुत फूटते हैं, बट इसे मैं कोशिश करूँगी क्योंकि इसे हमेशा संभाल के रखूँ, क्योंकि इसमें मैं और मेरा पति बना है इसीलिए।
और दूसरी चीज़ फिर मुझे मिले हैं काफ़ी ज़्यादा सूट, तो ये वाला सूट मुझे मेरे मम्मी और पापा ने गिफ्ट किया है जो कि मैंने कल पहना हुआ था, ये आपने कल की वीडियोस में देख लिया होगा। तो ये है मेरे मम्मी पापा की तरफ से, और मेरे पति ने भी मुझे इस बार फर्स्ट टाइम गिफ्ट दे रखा है, जो कि उनको भी पता है कि मुझे कपड़े पसंद है, तो उन्होंने भी मुझे दे रखा है कि बहुत प्रिटी सा फ्लावर प्रिंट का सूट जिसमें काफ़ी फ्लोरल डिज़ाइन है। तो मैं खोल के नहीं दिखा रही आपको, जब मैं पहनूंगी तब दिखा दूंगी इसकी पूरी वीडियो। तो ये भी उन्होंने मुझे कॉटन का सूट गिफ्ट किया है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये था मीनू दी की तरफ से, मीनू दी की तरफ से जो मीनू दी ने मुझे दिया था, तो ये है दी की तरफ से मेरे लिए। सबको पता है हमारे घर में कि मुझे मल्टी कलर और जो फ्लोवर प्रिंट होते हैं उनसे बहुत प्यार है, तो सबने मुझे इस बार इसी टाइप का प्रिंट दे रखा है जो कि मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये किस टाइप का सूट है। और ये फ्रॉक सूट है, तो अगर किसी को अच्छा लगेगा पहनने के बाद और कोई मुझसे इसका लिंक पूछेगा तो मैं उसको इसका लिंक शेयर कर दूँगी कि मैंने ये सूट कहाँ से मंगाए हैं। और फिर अपनी एनिवर्सरी है तो सेल्फ गिफ्ट भी देना ज़रूरी होता है जीवन में, तो मैं हमेशा अपने आप को जब भी मेरा कोई ऐसा बर्थडे या फिर एनिवर्सरी होती है तो मैं अपने आप को सेल्फ गिफ्ट देती हूँ। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल लाइट सा कलर का, ये भी मैंने थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट में अपने लिए सूट मंगा रखा है, तो मैंने एक अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है ये वाला। और ये वाला मुझे ध्रुवा ने दे रखा है, ध्रुवा ने अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा के मुझे एक बहुत प्यारा सा कॉर्सेट गिफ्ट कर रखा है, तो ये ध्रुवा की तरफ से है मेरे लिए। मतलब सिलेक्ट मैंने किया था लेकिन ये ध्रुवा की तरफ से गिफ्ट है। बाकी ये दोनों भी मैंने खुद को ही, ये दोनों मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं थोड़ा विंटर्स के हिसाब से, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये मैंने अपने लिए लिए थे अपने आप को सरप्राइज देने के लिए, जो कि काफ़ी पहले आ गए थे लेकिन आज दिखा रही हूँ, मैंने भी कल ही खोले इनको, तो ये मैंने खुद के लिए लिए थे अपने आप को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी में खुद को भी मतलब थोड़ा सा पैम्पर करके रखना मुझे अच्छा लगता है। तो ये है मेरे सारे गिफ्ट, अब जब मैं पहनूंगी तब इनकी आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि ये कैसा इनका लुक है और कैसे है करके। तो ये है मेरे गिफ्ट सारे। और अब करते हैं रात का डिनर, मट्ठे वाली सब्जी और पराठा, और इधर का खुशी देख रहे हो इसकी मम्मी के जाने से, खुशी चेहरे में। तो मैं पीती हूँ अब दूध और साथ ही साथ, तो यहाँ पे खाना वाना खा के मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से फ्री, और अब वेट कर रही हूँ पतिदेव का कि पतिदेव आएंगे, आज थोड़ा सा लेट आएंगे, और उसके बाद अब सोने की तैयारी है। तो आज के व्लॉग में मैंने कुछ गिफ्ट का ही अनबॉक्सिंग किया, बाकी कुछ बना नहीं पाई, तो मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट कल, तो आज के लिए बाय। और यहाँ पे मिस्टर पतिदेव काफ़ी लेट आए हैं आज घर, ऐसे ना जा अंदर आ। और आते ही धोने लग गए हैं गाड़ी, तो ये भी बहुत जुनून है यार, आते ही काम करो फिर सवेरे जाओ। और ये आज पहचान ही नहीं रही है, क्या हो नहीं पहचान रही,